देखिए नो प्रॉब्लम, अगर आप देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका तभी आपका 11 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, आपका ना देखो दिस इज ई। एक्स एक्सिस 0 0 अपना ए हो गया, दिस इज एक्स बार, आपका वाई हो गया एन वाई बार सी हो गया। ये जो ए बी लाइन है पहले वो देखो दिस इज ए बी लाइन, आपका नोट देखो दिस इज चलो, इसमें जो होगी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आपका देखो ना विच आपका ना इंटरसेप्ट स्मॉल ए फ्रॉम एक्सेस ए, स्मॉल ए फ्रॉम एक्सेस एंड स्मॉल बी फ्रॉम वाई एक्सेस ए। ये वाला एक ऑप्शन देख रहे हैं पहले स्मॉल बी ए, इसका मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो हो जाएंगे आपका स्मॉल ए कॉमा जीरो और कोऑर्डिनेट कॉमा आपका बी जीरो कॉमा स्मॉल बी हो जाएगी आपका नाम का दस। तो ये एस ये बन रहा है, ये आपका क्या होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू। क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या दिया हुआ उसमें, नहीं नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपका नाम दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट आपका जो दैट कट्स इक्वल सॉरी इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या हो गया ए इज इक्वल टू आपका बी हो गया आपका देखो बी इज इक्वल टू आपका ए हो गया, एक ही बात है देखो आपका यानी कि ये भी है और ये भी आपका ए बी इज इक्वल आपका ए हो गया देखिए आपका, इसका मतलब एक्स अपॉन ए आपका देखो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू वन, जो ए अपने एलसीएम ले लिया एक्स प्लस वाई ए वन जावा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। सबसे पहले तो आपका ये देखिए आपका नाम देखो दस बट देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल आपका ये लाइन की इक्वेशन आ गई आपका नाम देखो दस बट दिस इक्वेशन पासेस थ्रू कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही, जरा देखिए 2.3 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि देन दिस पॉइंट 2.3 सेटिस्फाई द लाइन नंबर वन, इसको सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू आपका 2 हो गया और वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो देखो 2 + 3 इज इक्वल टू ए इज इक्वल आपका क्या हो गया 5 आ गया। तो अब इसको यहां रख दीजिए अगेन अपने चुनाव सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा प्रॉपर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऐसे आपने करना था लेकिन इसके लिए ठीक छो डू इट।